वेलकम टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे राजमा की सब्जी लेकिन कश्मीरी ट्विस्ट के साथ। आज की रेसिपी कश्मीरी घरों में सर्दियों में अक्सर बनाई जाती है। इसका नाम है राजमा गमचे। राजमा तो हम सब जानते हैं, गमचे होता है शलगम या टर्निप। शलगम जो है सर्दियों में सीजनल वेजिटेबल है। इसका कॉम्बिनेशन बहुत सी डिशेस के साथ होता है। बनाने में ये बहुत आसान, ऑयल इसमें बस 3 चम्मच, और खाने में बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। राजमा की बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, लेकिन उनमें इंग्रेडिएंट्स ढेर सारे होते हैं, प्याज, टमाटर, लहसुन, लेकिन इसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट में एकदम बेस्ट। चलिए बनाते हैं। इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 2 कप राजमा। इस राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। साथ ही हमें चाहिए शलगम, टर्निप, कश्मीरी में हम इसको गगज कहते हैं। मैंने इसको अच्छे से धो के पील करके फिर ऐसे 4 हिस्सों में काट के रख दिया है। 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, 1/2 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 3 चुटकी हींग। गैस पर मैंने कुकर रख दिया है। कुकर में हम सबसे पहले डाल देंगे अपने सोक्ड राजमा। और थोड़ा पानी और डाल देंगे, लगभग 1 गिलास के करीब। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 इलायची, स्लिट ओपन करके इस तरीके से इसको बीच में से ओपन करके डाल देंगे, और 1 चम्मच नमक, अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को कर दूंगी ऑन, और इसको लगा दूंगी मैं 4 से 5 सीटी। आप सीटी उस हिसाब से लगाइएगा जिस हिसाब से आपके यहाँ राजमा मिलती है। जब तक हमारी राजमा में सीटी लग रही है, तब तक हम अपनी गमची यानी कि शलगम रेडी कर देते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, गैस कर दूंगी मैं ऑन, और इसमें डाल दूंगी 3 चम्मच ऑयल। चम्मच मेरा छोटा है, 3 चम्मच ऑयल बहुत रहेगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले डाल देंगे हींग, लौंग और जीरा, और इसको 10-20 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमारे मसाले भुन चुके हैं, इसमें डाल देंगे हम शलगम। मीडियम फ्लेम पे ही सब कुछ करेंगे हम, अच्छे से टॉस कर लेंगे, और लगभग 5-6 मिनट तक हम इसको टॉटे करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। पांच मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने इसको कई बार टर्न किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इवनली हर तरफ से फ्राई हो जाए, क्योंकि ऑयल बहुत कम है तो हमें इसको बार बार टर्न करना पड़ेगा। अब इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, हल्का सा गोल्डन कलर। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। पहले हमने 1 चम्मच इसमें डाल दिया था, तो ध्यान से नमक डालिएगा। नमक के बाद मैं डालूंगी इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1/2 चम्मच सौंठ यानी जिंजर पाउडर, और इसको क्विकली मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से कोट हो गया है टर्निप पे। अब इसमें मैं डालूंगी लगभग 1 चम्मच पानी, ताकि मसाला भी थोड़ा सा भुन जाए। आधा चम्मच और, 1/2 से 1 चम्मच। हमारी राजमा की भी साथ साथ सीटी लग गई है, 1 सीटी हो गई है। मैंने इसमें 1/2 कटोरी लगभग पानी डाल दिया है। अब इसको स्टेज पे लिड लगा के 5 मिनट तक सिम फ्लेम पे हम कुक करेंगे, तब तक हमारे राजमा भी
अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर लिया था, इसको चेक कर लेते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ना ये। देखूंगी क्विक मिक्स, आपको इसको ना बीच बीच में मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमने पानी बहुत कम डाला है और जो गोभी है यानी टर्निप थोड़ा सेमी कुक क्या फुली कुक हो गया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कुकर हमारा ठंडा हो जाएगा और फिर हम दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे। हमारा ठंडा हो गया है, राजमा को चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेंगे कि राजमा अच्छे से गले हैं कि नहीं। वाओ परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी राजमा एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप इधर भी कर सकते हैं, या तो राजमा में शलगम मिला दीजिए या शलगम में राजमा डाल दीजिए। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, मैं ये सारी राजमा इसमें डाल दूंगी शलगम में। तो दोनों कुक तो हो गए हैं, बस दोनों में एक दूसरे के फ्लेवर्स चले जाएं, उसके लिए हमें इसको 15 मिनट और पकाना है मीडियम फ्लेम पे। गैस को कर दूंगी मैं ऑन। जो कटोरी में राजमा निकाली थी ना, इसको मैं अच्छे से मैश कर लूंगी ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से थिक हो जाए। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। वैसे ही स्पून से हम सारी राजमा को थोड़ा सा मैश कर देंगे और फिर ग्रेवी में मिक्स कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए। तवे हटा देंगे और ये जो हमने मैश राजमा बना दी थी इसको इसमें ऐड कर देंगे। सारी की सारी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे कटोरी में क्योंकि अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो उससे ग्रेवी भी थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो राजमा में बहुत अच्छा थिकनेस आ जाएगा। अभी से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको 10 मिनट और कुक होने देते हैं और फिर सर्व करेंगे। राजमा रोटी बनके एकदम रेडी है, एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इतने कम ऑयल में इतनी अच्छी और टेस्टी सब्जी। चलिए इसको सर्व करते हैं। अब राजमा रोटी बनके एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ही सारे हैं। आप इसको बनाइए और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।